तू फोन दे मेरे को यार, क्या बोल रहा हूँ मैं तेरे को कब से? ये धमकियां मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ भाई, मैं एफआईआर करानी पड़ेगी। दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मुझे जरा भी मन नहीं कर रहा है, सही मैं बताऊं, क्योंकि आज कुछ सीन हो गया मेरे साथ। मतलब मुझे यकीन नहीं हो सकता कि लोग इतने भी गिरे हुए हो सकते हैं। मतलब मैंने ऐसा सोचा तक नहीं था। मैं नमाज पढ़ने गया था, आज फ्राइडे था तो नमाज पढ़ने गया, मेरे को पर्स भी था, उसमें कुछ 5,000 रुपए थे। दो पर्स थे मेरे पास, तो एक में मैंने कहीं जाना था, दरअसल मैंने ब्लॉग बनाने आज कहीं बाहर जाना था, मैंने सोचा तो कुछ एक नई जगह दिखा लेते हैं आपको। तो मेरे पास दो पर्स थे, साथ थे, एक था पैसे वाला और दूसरा था एटीएम वगैरह वाला। तो एटीएम वाला जो मैंने रखा था पर्स, वो मैंने आगे वाले जेब में रखा था, बट जो पैसे वाला पर्स था वो मैंने पिछली जेब में रखा था, और मोबाइल भी पिछली ही जेब में ही रखा था। जैसी नमाज लगाई तो मैं जरा लेट गया था, तो मैं सबसे लास्ट पे था, मतलब दरवाजे के बिल्कुल पास में। मुझे कुछ नहीं पता नहीं कौन आया पीछे से और मोबाइल और पर्स दोनों ले गया। मुझे पहले लगा कि सिर्फ मोबाइल ले गया, मैं नमाज भी नहीं तोड़ सकता था, तो मुझे लगा कि मोबाइल ले गया। लेकिन जब नमाज खत्म हुई, मैं देखता हूँ मेरा पर्स भी गायब था। सिर्फ एक पर्स जो आगे वाले जेब में बचा है, वो सिर्फ ये वाला पर्स बचा है, एटीएम वाला। इसमें मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब मेरा पैन कार्ड वगैरह, एटीएम वगैरह थे। बट जो मैन पर्स था मेरा, जिसमें 5,000 से कुछ ज़्यादा ही थे, 5,100 कुछ रुपीज थे, और मोबाइल जो मैंने जस्ट अभी नया ही लिया था, मुझे नहीं पता अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो कुछ नया ही लिया था, सो वो भी चोरी हो गया। सो अभी तो मैं अभी घर आया हूँ नमाज पढ़ के, तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था ये व्लॉग शूट करने का, बट मैंने सोचा कर देते हैं यार, मैं सबसे पहले उसको कॉल करता हूँ, तो देखते हैं उठाता है, बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये तो लेते ही सीधा पहले मोबाइल को सिम वगैरह निकाल देते हैं। पहले कॉल करता हूँ, पूछते हैं उससे, यार मेरे को बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मेरे को बिल्कुल भी मन नहीं ब्लॉग बनाने का, पूरा रोने का मूड बन रहा है। मैं जो अपनी ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये मैं सिस्टर के मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो अभी मैं कॉल करूंगा अपने नंबर पर, देखूंगा उठाएगा या नहीं, तो अदरवाइज मुझे FIR की करानी पड़ेगी। जो मेरा मोबाइल चोरी हुआ, एक होता ना गिर जाता तो जेब से किसी ने निकाल लिया, तो मैं नमाज भी नहीं तोड़ सकता था। तो मैं सबसे पहले कॉल करता हूँ, अगर उठाई किसी ने कॉल तो बोलूंगा भाई दे दे मोबाइल, अगर नहीं दिया या अगर नहीं उठाया फोन तो मुझे मजबूरन FIR करानी पड़ेगी, फिर चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता, तो फंस जाएगा। मैं कॉल कर लेता हूँ पहले। मैंने मामू को फोन लाया है, तो यहाँ पे मैं अब अपने नंबर को कॉल करता हूँ, इस नंबर पे कॉल करते हैं। मोबाइल पकड़ना जरा, आगे जाना, काट रहा है, फोन जा रहा है मगर काट रहा है। जो भी है ना, इसको आज मैं छोड़ूंगा नहीं। यार उठा तू, इसको मैसेज करूंगा। फोन उठाओ, तुझे छोड़ूंगा नहीं, इसको मैं कॉल करता हूँ फिर से, जाएगा कहाँ। आगे जाना जरा। हेलो 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 भाई, यार तू कौन है यार? तू कौन है? नहीं यार, तूने जिसका मोबाइल लिया है ना, मैं वही बोल रहा हूँ। ये धमकियां मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ भाई, तू जो भी है मुझे नहीं पता, मुझे मेरा मोबाइल वापस दे दे। मुझे मेरा मोबाइल वापस से याद रखना, अदरवाइज मैं कंप्लेन कर दूंगा, मैं FIR दर्ज कर दूंगा। देख मैं सीधी बात बोल रहा हूँ। मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ, मैं सच में FIR करा दूंगा। अभी यहाँ पे भिंडी चौकी में जाऊंगा ना तेरी, अभी FIR कराऊंगा। भाई मैं इज्जत से बोल रहा हूँ भाई, दे दे। एक तो तुझे शर्म नहीं है यार, मस्जिद में से तूने फोन ले लिया यार, हद होती है किसी चीज की, इतनी तो शर्म रख यार। हाँ बोल रहा हूँ तेरे को, तू बोल कौन है। मैं चुपचाप आऊंगा, मोबाइल ले जाऊंगा। एक तो तू ऊपर से मेरा पर्स भी ले गया यार, कम से कम इतनी तो शर्म रख यार। मैं बोल रहा हूँ भाई, तो इज्जत से दे दे। मेरे उसमें पर्स में कुछ थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स है मेरे, थोड़े उसमें। मैं भाई बोल रहा हूँ, ये मेरा नंबर है, ये मेरा फोन है, मुझे पता है तूने चोरी किया है। और एक तो तू मस्जिद में से नमाज पढ़ते पढ़ते वो ले गया, मजबूरी का फायदा उठाता है तो सामने वाला कुछ भी कर रहा हो। अब तुझे पता है कि नमाज नहीं तोड़ सकते, तूने फोन ले लिया। मैं इज्जत से बोल रहा हूँ भाई, दे वरना मैं चला FIR कटाने। याद रखना, मैं साइबर सेल में भी जाऊंगा ना, फोन ट्रेस करके तेरे को ऐसे अंदर डलवाऊंगा ना, तू भी याद रखेगा।
याद रखना भाई, मैं बोल रहा हूँ इज्जत से, मैं बोल रहा हूँ इज्जत से फोन दे, बोल रहा हूँ इज्जत से बोल रहा हूँ, मजबूर मत कर मुझे, याद रखना तेरा जो आगे आगे तेरा भविष्य खराब हो जाएगा। मेरे को डिस्टर्ब नहीं कर, तुम्हें जो करना है तू कर, ठीक है? याद रखना बहुत पछताएगा। हाँ, मैं बोल रहा हूँ इज्जत से फोन दे दे। यार फोन काट गया इसको, मैं छोड़ूंगा नहीं आज, छोड़ूंगा नहीं आज, फोन नहीं उठाएगा। फोन अभी तक बंद नहीं किया। हेलो, मैंने तेरे को बोला ना मेरे लास्ट बार, इज्जत से फोन दे यार। जो देख तो तूने चोरी की और ऊपर से सामने से मेरे को दाढ़ी दिखा रहा है। मैं बोल रहा हूँ इज्जत से, याद रख तू फोन, मैंने तेरे को कहा फोन दे, याद रखना। हरामी बहुत मारूंगा तेरे को, बहुत मारूंगा, जहां भी पकड़ा जाएगा ना मारूंगा, बीच रोड में मारूंगा तेरे को। याद फोन काट गया सब। मुझे अब मजबूरन मेरे को अब FIR करानी पड़ेगी, क्योंकि ये सामने से गालियां निकाल रहा है। अब मैं नहीं छोड़ूंगा इसको, जहां भी होगा ना पकड़ा जाएगा। बहुत रोएगा ये, बहुत बहुत ज्यादा रोएगा, अब बड़ा पछताएगा ये। और तू रख पीछे वाले पॉकेट में फोन। यार जान बूझ के थोड़ी रखा था, मुझे क्या पता मस्जिद में कोई चोरी का। सो बस अब ज्यादा हो गया, मैं निकल रहा हूँ यहाँ से FIR कटाने। मैं सिस्टर को इसका फोन दे देता हूँ, मैं चला FIR कटाने, जो भी होगा अपना फोन नंबर दे दूंगा। मेरा मोबाइल का वो बिल बॉक्स निकाल, मेरे पास है उसमें IMEI नंबर है, वो नंबर दे दे। मेरे पास मोबाइल का अभी भी बिल बॉक्स सब कुछ है मेरे पास। तो ये मोबाइल का बिल है, इस पे IMEI नंबर सब कुछ है, और पुलिस स्टेशन यही पास में ही है। बस मैं जा रहा हूँ, मैं दे दूंगा FIR, फिर जो भी होगा, फिर खुद पुलिस वाले मेरे को कॉल करके बुला लेंगे, मैं जाऊँगा, फिर देख लेंगे जो भी होगा, जहाँ से भी होगा। ये तो गया, बस मैं चला। मैं अब मोबाइल सिस्टर को दे देता हूँ, पकड़ मोबाइल। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसा लगा मेरा मजाक? म्यूजिक। अप्रैल फूल। अप्रैल फूल बनाया तो उनको गुस्सा आया, ओ मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, जिसने कसूर बनाया। देखो सौ सही में बता रहे यार, कैसा लगा? आप देखो जो मेरे बिल लिया था, अब आपको मैं बिल दिखाता हूँ, बिल क्या चीज है ये, आप बिल समझ रहे हो ना? अच्छे से देखना क्या है ये, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएट हॉस्पिटल डोडा। और पूरा बताना कि एक्टिंग मैंने कैसे की, कहीं से भी आपको ऐसा लगा कि मेरा ये जस्ट एक अप्रैल फुल बनाने का एक प्लान था, कहीं से भी आपको ऐसा लगा? शायद कुछ लोगों को, शायद 1% लोगों को शायद पता चल गया होगा कि शायद अप्रैल फुल हो, बट 99% लोगों को नहीं पता होगा। तो सही में बताना वीडियो कैसी बनी, और अभी जो वीडियो बन रही है मेरे ही मोबाइल से बन रही है, और जो चोर था ना वो मेरा फ्रेंड था, अभी मैं उसको फिर से कॉल करता हूँ। हेलो सचिन भाई, थैंक यू, बहुत हेल्प किया आपने वीडियो में। अब आप जरा ऑडियंस को बताओ कि एक प्रैंक था, सो थैंक यू सो मच। और जरा हम ऑडियंस से भी पूछेंगे, ऑडियंस आप मुझे बताएंगे कि आपको सचिन भाई की जो एक्टिंग जो लगी आपको कैसी लगी। ठीक है सचिन भाई, थैंक यू, शाम को कॉल करते हैं फिर, ठीक है? ओके ब्रो, थैंक यू। सो ये हमारे सचिन भाई थे, मेरे खास जिगरी यार थे। मेरे सोचा था पहले मेरे जो अपने फ्रेंड से मैं उनको बोलूं, बट फिर मैंने सोचा नहीं ऐसे मजा नहीं आएगा, कोई हम ऐसा बंदा लाएंगे ना जिसको मेरे कुछ फ्रेंड्स बहुत कम जानते, इसलिए मैंने इस बंदे को लाया, मेरा फ्रेंड है काफी करीबी। सो आई होप आपको जो है ना इस प्रैंक जो आपके साथ हुआ है ना, मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा फनी लगी होगी आपको ये वीडियो। और सेवे बताना एक्टिंग कैसी लगी, रेटिंग करना 5 स्टार में से कितने स्टार आप दोगे ये जरूर बताना मुझे वीडियो में। सो सही बताना अब कि आपको आज वाली वीडियो कैसी लगी, मसालेदार लगी या नहीं। और आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी भी हो सकती है, बट बहुत मजा आया मुझे, और मैंने जो आंसू निकाले ने, सच में बताऊं मैंने रियल आंसू निकाले। वो कैसे निकाले? वो तो ईजी है ना, मतलब एक जगह आंख रखना, ब्लिंक नहीं करना, एक जगह रखना है, बस आंसू अपने आप आ जाते हैं, मैंने अपने असली आंसू लाए थे। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और एक बार फिर से अप्रैल फूल मैंने बनाया है और किसी से मत बन जाना आज के बाद। सो फिलहाल के लिए करते हैं इस वीडियो में एक पे एंड, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जल्द मिलते हैं एक नई सी वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।